शहर में फ्लाईओवर का निर्माण जारी है, जिससे आवागमन करने वाली सड़कें खराब हो चुकी हैं। फिर भी दुपहिया वाहन चालक अपनी लापरवाहियों से बाज नहीं आ रहे और दुर्घटनाओं को आमंत्रित कर रहे हैं। ऐसे ही लापरवाही वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव के निर्देश पर चालानी कार्यवाहियां की जा रही है। गौरतलब है कि इस वक्त भिलाई शहर में फ्लाईओवर का कार्य जोरों पर है और दूसरी ओर बरसात के मौसम की वजह से आवाजाही करने वाली सड़क काफी खतरनाक हो चुकी है और ऐसे में सड़क के एक ओर से दूसरी ओर जाने के लिए कुछ निश्चित मिडिल कट बनाए गए हैं, जिसे अनदेखा करते हुए विशेष तौर पर दुपहिया वाहन चालक गलत दिशा से आवागमन करते हुए दुर्घटनाओं को आमंत्रित कर रहे हैं और तीन सवारी भी चल रहे हैं। ऐसे में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव के निर्देश पर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात विश्वास चंद्राकर के मार्गदर्शन में चौक चौराहों के समीप चालानी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। साथ ही ऐसे लोगों को समझाइश भी यातायात विभाग द्वारा दी जा रही है और ऐसी कार्रवाइयां लगातार जारी भी हैं। बावजूद इसके दुपहिया वाहन चालक अपनी लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। सोमवार को घड़ी चौक सुपेला के समीप भी ऐसी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसमें विशेष तौर पर यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले एवं विशेष तौर पर परिवहन करते समय मोबाइल पर बातें करने वालों को पकड़कर समझाइश दी गई और उनसे जुर्माना भी वसूला गया। ये श्रीमान एसपी महोदय के आदेश पर श्रीमान अपना पूरा अतिरिक्त पुलिस के मार्गदर्शन में श्री गुरजीत सिंह डीएसपी साहब के निर्देशन में हर चौक चौराहे पर पुलिस ट्रैफिक के वाले के द्वारा रॉन्ग साइड खासकर रॉन्ग साइड चलने वाला मोबाइल से बात करने वाले का ऊपर कार्रवाई और इधर तीन सवारी बिना नंबर में कार्रवाई किया जा रहा है। ये अभी तो ओवर भी जब बना तब तक रॉन्ग साइड वाला कार्रवाई चली गई अभी और वैसे हमेशा यातायात में पूरा कार्रवाई चलेगा, 12 महीने चलता है। चलिए दोनों के जैसे समझाइश भी दिए जा रहे हैं, पहली बार जैसे मिल रहा है अचानक कोई गलती करता है तो समझाइश भी दी जा रही है। यातायात विभाग द्वारा लगातार जर्जर हुई सड़कों का संधारण करने की पहल करते हुए सड़क निर्माण कंपनियों से चर्चा की जा रही है और वाहन चालकों को भी लगातार समझाइश दी जा रही है और ना मानने वालों पर चालानी कार्रवाइयां भी की जा रही है। बावजूद इसके वाहन चालक अपनी लापरवाही की वजह से खुद दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं और दूसरों को भी दुर्घटनाग्रस्त करते देखे जा रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।